फ्रेंड्स, अब हम जो टॉपिक करेंगे वो करेंगे बेटा एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस, ठीक है। वैसे एक एप्लीकेशन हमारी कट गई है, इनसाइड द स्फेरिकल और आउटसाइड द स्फेरिकल, लेकिन उसके बावजूद दो एप्लीकेशंस तो मुझे करनी है और उसको मैं कोई बड़ी ऐसी प्रॉब्लम या समस्या हल नहीं हुई हमारी, वो बराबर ही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी जो हम करेंगे वो करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। तो दो एप्लीकेशंस है, पहली है व्हेन, या हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हैविंग ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ठीक है। तो एज्यूम करते हैं एक वायर है, ठीक है। अब इस पे चार्ज प्लेस था, इस पे क्या प्लेस था बेटा, चार्ज प्लेस था। तो इसका एक इमेजिनरी शेप बना लेते हैं हम, ऐसा ही गॉसियन सरफेस बनेगा ना, है ना, ऐसा ही गॉसियन सरफेस बनेगा। दूसरा एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर कहां बनेगा, इसके नॉर्मल बेसिस डी ए, या मैं कहूं डी एस, डी एस यहां पर जो डी एस के ही मेरे क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसके एक्सियल पे भी बोल देता हूं, क्योंकि हमने किया टाइप और, ये तो हो गया एक्सियल लाइन, ये क्या होगी इक्विटोरियल लाइन। तो ये मेरा डायग्राम है, जो ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैंने क्या किया, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर लिया, उसमें चार्ज किया और उसका गॉसियन सरफेस बनाता है। लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। तो किसी एक पॉइंट पे जो मेरा डायरेक्शन निकलेगा, मान लो इस पॉइंट पे निकला, तो मान लो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 बने, Q1 की वजह से यहां बना, Q2 की वजह से, Q3 Q4 ऐसे किया, तो टोटल सम क्या हो जाएगा इसका, जो हमारे पास Q1 की वैल्यू आएगी। और दूसरी चीज, जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो किस पे हुआ, सरफेस। तो मैं इसका एक डायग्राम फिर से बना रहा हूं। अब हम डायग्राम बनाते हैं जो आपकी बुक में भी है, कि भाई ये एक सिलेंड्रिकल शेप है, एक सिलेंड्रिकल शेप है जिसके बीच में से एक वायर गई हुई है। यहां पर मेरा क्यू चार्ज है जिसकी वजह से गॉस सरफेस बना, ये मेरा डी ए बना, ठीक है, या मैं कहूं तो मैं डी एस, क्योंकि मुझे आदत हो गई है एरिया वेक्टर को ए लिखने की। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1 2 एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 3, क्योंकि हम इस चीज को नकार नहीं सकते हैं। अब यहां पर भी गॉसियन सरफेस का पॉइंट डी ए बना, यहां पर भी क्या बना, डी ए बना। अब जो डी ए बना वो ऐसे बना, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो चार्ज है ये इसके नॉर्मल है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। देयरफॉर E2 और E3 पे जो गॉस सरफेस बने हैं, क्यों, क्योंकि E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, E2 DAdS cos 90° प्लस E3 भी कितना हो जाएगा, E3 DS cos 90°, जो कि क्या हो जाएगा 0। तो मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिली वो किस पे मिली, इस सरफेस पे। और जब सरफेस की बात करते हैं तो हम बात करते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। तो जो इस सरफेस पे हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, हमने 1A के लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, तो Q = λ × L। भाई लेमडा लेंथ के डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन कर रहा हूं, एल इज द लेंथ, तो चार्ज कितना डिफाइन हो रहा मेरा, λ × dl बाय यूजिंग गॉस लॉ, E·dS। अब E1 था, E2 और E3 का तो पंगा ही खत्म कर दिया हमने, तो सीधा इसको E लिख लेता हूं, ये भी चलो हमें जरूरत नहीं आपकी। तो E·dS cos 0° इज इक्वल टू, लाइन इंटीग्रल भी लिख देता हूं, Q/ε0। अब जो Q की वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन 1 वो प्लेस करेंगे, तो E·dS इज इक्वल टू λ L
अपॉन एप्सिलॉन नॉट लैम्डा एल इनटू एप्सिलॉन नॉट। ई कांस्टेंट वैल्यू है, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा सिलेंडर का, तो सरफेस एरिया इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, और इस बार जो मेरे पास है वो क्या है सिलेंडर, इस बार क्या मेरे पास सिलेंडर, वो कितना आता है बेटा 2 पाई आर एल, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया, मैं कहूं सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। स्पीयर का क्या होता है 4 पाई आर स्केयर, सिलेंडर का क्या होता है 2 पाई आर एल। तो मेरे पास जो रिजल्ट आया वो आया E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो E इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कट हो गया, तो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई वो क्या है बेटा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन आर। अब आ जाते हैं ये सारी टर्म मेरी क्या है कांस्टेंट, और जब कांस्टेंट वैल्यू को मैं के या इक्वल किस में कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किस चीज के इक्वल बेटा 1 अपॉन आर, यानी जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम गॉस लॉ से फाइंड करेंगे तो वो अगर सिलेंड्रिकल शेप है तो उसका जो रेडियस होगा या उसका जो डिस्टेंस होगा वो उसके क्या होगी इनवर्सली प्रोपोर्शन। इसके लिए हमारे पास एक ग्राफ है, ये आर को डिफाइन कर रहा है ये ई को, ठीक है, आर क्या बता रहा है उसकी डायरेक्शन, तो इसके लिए ग्राफ बन गया हमारा ऐसे, जैसे जैसे आर इंक्रीज होता जा रहा है ई क्या होता जा रहा है डिक्रीज ना, ई आर और ई का इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन का मतलब क्या हो गया E बढ़ेगा तो R घटेगा, R बढ़ेगा तो E घटेगा। तो ये जो ग्राफ है आपको एग्जाम में एप्लीकेशंस में ये मोस्टली पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आपको ये बनाने में और इस पे मार्क्स शायद ना मिले, ये तो उनको पता है भाई हाँ लैम्डा कोई बात नहीं, असली जो इशू है ये पॉइंट आपको मस्ट बी रिटन करने हैं, आपको लिखने हैं बोर्ड के पेपर में कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, और ये ग्राफ आपको बना के आना है, ठीक है। अब आती है हमारी सेकंड एप्लीकेशन, और जो अभी इस वक्त लॉकडाउन की वजह से हमारी लास्ट भी हो गई है, इसके बाद गॉस का आपका इशू खत्म हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इनफाइनाइट लॉन्ग, इनफाइनाइट है इस बार, ठीक है, प्लेन शीट, ठीक है। तो सेकंड है एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट शीट, क्या शीट, तो एक शीट ले लेता हूं वैसे, और इसके अंदर से एक वायर मैंने क्रॉस कर दी, यानी इस बार जो शीट और ये जो वायर है ये क्या है एक दूसरे के आपको थोड़ा सा 3D में दिख जाए तो बेटर है, ठीक है, तो ये जो शीट है ये इसके आर पार है यानी ऐसे आपको ऐसे नजर आ रही है, ठीक है। तो इस बार जो सरफेस एरिया है वो इसका E1 E2 और E3, ठीक है। इस बार E3 का जो DA है मेरा वो क्या है बेटा इस डायरेक्शन में, ये क्या है इस डायरेक्शन, ठीक है। दूसरी चीज इनफाइनाइट शीट है भाई, ये शीट कितनी बड़ी, इसलिए मैंने देखो इसको ऐसे बनाया, मैंने कोई रेक्टेंगल या सीधी लाइन नहीं खींची, माना वहां तक है, तो उसके नॉर्मल जो E ऐसे बढ़ता जाएगा या ऐसे बढ़ता जाएगा, तो उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा E का सब्स्टिट्यूशन या इंटीग्रेशन। तो यहां पर भी मेरे पास जैसे ही शीट आई वहां पर एक नया चीज आया, क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग इनफाइनाइट शीट कितना होता है सिग्मा
इंटू एस, सिग्मा इंटू एस क्या हो गया इस बार क्यू, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो कितना हुआ बेटा क्यू इंटू एस, ठीक है। तो वैल्यूज प्लेस करते हैं, इसको ऐसे ही रखता हूं, इसको ऐसे ही रखता हूं। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एस या सिग्मा एस, ठीक है। तो बाय यूजिंग गॉस लॉ, गॉस लॉ इस बार देखो E2 और E1 दोनों इनफाइनाइट शीट है, चार्ज यहां है, तो अब हम कहेंगे सर इनकी तो डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, मैग्नीट्यूड सेम नहीं बेटा। यहां पर गॉसियन सरफेस जब हम ऐसे बना रहे हैं तो क्या जो यहां से पॉइंट बन रहा था DA, मान लो ये क्यू डी ए थ्री था और ये डी ए वन था, तो क्या ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे थे? नहीं, मैंने गॉसियन सरफेस में जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया था तो ये जो पॉइंट है ये किसी ना किसी का तो 180 डिग्री अपोजिट था, तो इसका मतलब तो मुझे क्या लेना चाहिए था, हाफ लेना चाहिए था, लेकिन मैंने लाइन इंटीग्रल या मैं कोई इंटीग्रेशन किया था, वो किसका किया था, इस पूरे का ना, 4πr² तो जो गॉसियन सरफेस है उसकी डायरेक्शन जब मैंने बताई दिया भाई यूनिडायरेक्शनल है, एन इस तरफ भी एन, एन इस तरफ भी क्या है एन, तो ये जो यूनिट डायरेक्शन था एन इंटू यूनिट ऑफ ए इज इक्वल टू वन, यूनिट का मतलब क्या होगा वन होगा, यानी वो इस बार क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, ठीक। तो इस बार जो ई वन ई टू है वो एक दूसरे के अपोजिट एज्यूम नहीं किए जाएंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रखा जाएगा सेम। तो E1 प्लस E2 सीधा सा इसको एक कैपिटल E1 की वैल्यू रख दूं तो कितना हो गया E1 into ds plus E2 into ds is equal to Q upon epsilon naught from equation 1, from equation 1 इसको फिर सीरीज कर देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। E1 बार ले लेता हूं लाइन इंटीग्रल ऑफ ds प्लस E2 बार ले लेता हूं या इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू Q की जगह क्या लिखूंगा बेटा सिग्मा इंटू एस अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और इसका भी क्या कर दूंगा इस बार इंटीग्रेशन क्योंकि s है। अब यहां पर हम सिंपल करना चाहते हैं या मुश्किल वो डिपेंड करता है, सिंपल करेंगे तो यहां ds का सीधा सा इंटीग्रेशन क्या लिख लें s, ds का क्या लिख लें s। देखो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इज इक्वल टू टी, क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन होता है, अब वन को डी टी से डी टी को वन से मल्टीप्लाई कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं, और इस वन की जगह अगर मैं टी की पावर जीरो प्लेस कर दूं और इसका इंटीग्रेशन करूं तो टी की पावर जीरो प्लस वन डिवाइडेड बाय जीरो प्लस वन जो कि मुझे मिलता है टी अपॉन वन मीन्स टी, इंटीग्रेशन का सिंपल रूल है ना, डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो गया बेटा टी, यहां भी डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो गया टी हो गया। दूसरी चीज हम कहेंगे सर सरफेस एरिया तो हम शीट का लेंगे, अब देखो थिन इनफाइनाइट एक लॉन्ग शीट है उसका क्या सरफेस, उसकी तो एक लेंथ ही होगी, उसकी तो क्या होगी एक लेंथ ही होगी, इसलिए हम 4πr² वाला चीज यूज नहीं कर सकते, इसलिए मैंने ds का क्या लिख दू बेटा ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा s। तो देखो E1 s plus E2 s is equal to sigma s upon epsilon naught, E1 और E2 सेम चार्ज से गॉस बना है तो क्या हो जाएगा सेम मैग्नीट्यूड, तो मैं इसको क्या लिख दूं 2 E s is equal to sigma s upon epsilon naught, s से s कैंसिल आउट हो गया, मुझे क्या निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो E is equal to sigma upon एप्साइलन नॉट और ये जो टू मल्टीप्लाई है वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। कहेंगे सर इसमें तो आर मुझे नजर ही नहीं आया है ना, इसमें जो आर की वैल्यू निकालते हैं चलो भाई सिग्मा में, तो यहां पर जैसे जैसे ई की वैल्यू कॉन्स्टेंट होगी सिग्मा और एप्साइलन नॉट, तो ई की वैल्यू हम यहां से क्या कर लेते हैं प्लेस कर देते हैं डीएस की, चलो भाई नहीं सर हमें नहीं समझ आया हमें दूसरा चेंज करते हैं, तो यहां मैं पानी बदल देता हूं ई वन ऑफ ds plus E2 of ds is equal to क्या था चार्ज sigma s upon epsilon naught, इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा ds, तो E1
इंटू डी एस कितना आ जाएगा शीट का, 2πr² 2πr² है ना, तो 2πr² प्लस E2 2πr² इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 2πr² देखो 2πr² 2πr² से एक तो कट ही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जब मैं कॉमन लूंगा तो ये दोनों कट हो चुके हैं, अगेन मेरा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, E1 E2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, दिस इज द सेकेंड एप्लीकेशन, ठीक है बेटा, तो आई होप हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, सब अच्छे से करेंगे, थैंक यू फॉर द डे।